अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। I hope everyone is good. Starting with today's lecture, हम लोग बात कर रहे थे porcelain fused to metal crowns की, जिसमें हमने different types के metal alloys पढ़े थे, जिनको use करके PFM crowns बन सकते हैं। उसमें high gold content वाले alloys थे, low gold वाले alloys थे, palladium वाले alloys थे और निकल क्रोमियम वाले अलॉयज थे। हाई गोल्ड में गोल्ड का कंटेंट ज़्यादा था, लो गोल्ड में गोल्ड का कंटेंट कम था और उसमें पैलेडियम ऐड किया था। तो बेसिकली पैलेडियम ऐड इसलिए किया था ताकि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा किया जा सके, और मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा इसलिए करना होता है ताकि उस मेटल अलॉय के ऊपर बाद में जब पोर्सिलीन की फायरिंग की जाए तो पोर्सिलीन फायरिंग टेम्परेचर से वो मेल्ट ना हो जाए, विदस्टैंड कर ले उस टेम्परेचर को। इसी तरह एक बात की थी कि पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल क्राउन्स में पोर्सिलीन और मेटल अलॉय के दरमियान में बॉन्डिंग केमिकल होती है, और ये केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, मेटल अलॉय की जो कोपिंग बनती है उस कोपिंग में इंडियम ऐड करते हैं और इरेडियम ऐड करते हैं, इन दोनों की एडिशन से ऑक्साइड्स बन जाती हैं, और ये ऑक्साइड लेयर मेटल की सरफेस के ऊपर एडहेयर कर जाती हैं। These oxide layers are responsible for making a chemical bond with the porcelain veneer or porcelain covering. Talking about bonded platinum foil ceramic crowns, a platinum foil coping is adapted on the die. जिस तरह से आप लोगों को बताया था वो Captech GE और Captech के डिफरेंट टाइप्स के गोल्ड फॉयल्स थे जिनको डायरेक्टली डाई मटेरियल रिफ्रैक्टरी डाई का जो बना होगा उसके ऊपर अडेप्ट करेंगे, कास्ट नहीं करेंगे मेटल को, कास्टिंग के प्रोसीजर से नहीं गुजारेंगे, उसको डायरेक्टली अडेप्ट करेंगे और उसके ऊपर एक और लेयर फॉयल की लगाएंगे और उसके ऊपर पोर्सिलीन की फायरिंग करेंगे, जिससे हमारे पास पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन आएगा। तो इस केस में जो हमने गोल्ड अलॉय यूज किया है उसकी हमने कास्टिंग नहीं की है, उसको मैन्युअली प्रिपेयर किया है, और मैन्युअली प्रिपेयर करने में जब हम एक फॉयल की शीट लगाते हैं और उसके बाद दूसरी फॉयल की शीट लगाते हैं, उसके बाद हम उसको फर्नेस में रख के हीट करते हैं ताकि वो दोनों आपस में फ्यूज कर जाए। इसी तरह प्लेटिनम फॉयल की कॉपिंग्स भी बनती हैं, दे आर ऑल्सो अडेप्टेड ऑन द डाई। देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड इलेक्ट्रो डेपोजिशन टेक्निक। दिस टेक्निक इज यूज्ड टू इम्प्रूव एस्थेटिक एंड बॉन्डिंग। अ लेयर ऑफ प्योर गोल्ड इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड टू द मेटल। दिस इज फॉलोड बाय अ क्विक मिनिमल डेपोजिशन ऑफ टिन ओवर गोल्ड। सो बेसिकली आप लोग नाम से याद रखना, इलेक्ट्रो डेपोजिशन टेक्निक इज अ टेक्निक जिसमें प्योर गोल्ड अलॉय की लेयर इलेक्ट्रो डिपॉजिट कर देते हैं मेटल के ऊपर, और उसके बाद उसके ऊपर डेपोजिशन करते हैं टिन की। अब टिन की डेपोजिशन का मतलब भी यही है कि टिन की डेपोजिशन करेंगे तो टिन ने क्या करना है, टिन ऑक्साइड बनाएगा,
और ये ऑक्साइड्स जो मेटल अलॉय के ऊपर एडहेयर करेंगी, ये केमिकल बॉन्ड बनाएंगी ओवरलाइंग पोर्सिलिन के साथ. सो बेसिकली इलेक्ट्रो डेपोजिशन, जिस तरह से मैन्युअली हम अडेप्ट करते हैं गोल्ड की शीट्स कैप्टेक जी और कैप्टेक के, उसी तरह से प्लेटिनम फॉयल की कोपिंग्स भी अडेप्ट करते हैं डाई के ऊपर. और हम इलेक्ट्रो डेपोजिशन से, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से इसके ऊपर गोल्ड की लेयर अडेप्ट कर देते हैं और उसके बाद उसके ऊपर टिन की एक लेयर लगा देते हैं. एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ क्राउन्स इज दैट द गोल्ड कलर एनहांसेस द वैलिडिटी ऑफ पोर्सिलिन, देयर बाय एनहांसिंग एस्थेटिक्स. द नॉर्मल टेक्निक रिक्वायर्स अ हैवी अनएस्थेटिक ओपैक लेयर टू कवर द डार्क मेटल ऑक्साइड सरफेस. अब जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि पोर्सलिन विनेयर्स जो बनाते हैं वो थिन शेल्स की तरह की शीट्स होती हैं, तो उसके अंदर से आप जिस सीमेंट से उसको बॉन्ड कर रहे हो वो भी नज़र आ सकता है. वो भी हमें बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना होता है. और उसके नीचे जो दांत का कलर है वो भी नज़र आ सकता है, इनकेस जब आपकी बॉन्डिंग सीमेंट इतना इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हुआ. तो हमें उस केस में ओपेक सीमेंट यूज़ करना है ताकि अंदर से अगर नज़र आए भी विनेयर के अंदर से तो वो वाइटिश कलर नज़र आए. इसी तरह से जो मेटल ऑक्साइड बनती है पोर्सिलिन और मेटल कोपिंग के दरमियान में, जो मेटल के ऊपर ऑक्साइड लेयर बनेगी, ये ऑक्साइड लेयर इज डार्कर इन कलर. सो दिस नॉर्मल टेक्निक रिक्वायर्स अ हैवी अनएस्थेटिक ओपैक लेयर टू कवर द डार्क मेटल ऑक्साइड लेयर. इस मेटल ऑक्साइड लेयर को कवर करने के लिए एक ओपैक लेयर लगानी पड़ती है. उस ओपैक लेयर को लगाने से बहुत अनएस्थेटिक लुक आती है. ओपैक ज़्यादा मटीरियल होगा तो वो थोड़ा अननेचुरल भी लगेगा, क्योंकि आपके नेचुरल दांतों में थोड़ी ट्रांसलूसेंसी होती है. क्राउन्स जो लगे होते हैं वो ओपैक अगर ज़्यादा हो तो वो आर्टिफिशियल लगते हैं. लेकिन जो ऑक्साइड लेयर बन सकती है पीएफएम में पोर्सलिन और मेटल अलॉय के दरमियान में, ऑक्साइड लेयर जो बन जाती है उसके डार्क कलर को अवॉइड करने के लिए पोर्सलिन ओपैक लगाया जाता है, लेकिन ये एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगता. तो इस ओपैक लेयर को कवर कैसे किया जाता है? गोल्ड कलर एनहांसेस द वैलिडिटी ऑफ पोर्सलिन. गोल्ड कलर की वजह से उसमें येलोइश टिंज आ जाता है और थोड़ी ट्रांसलूसेंसी अपीयर होती है. द टिन हेल्प्स इन केमिकल बॉन्डिंग, जो आपको पहले भी बताया, टिन ऑक्साइड बना देगा. ऑक्साइड, दीज ऑक्साइड्स आर द मीन्स ऑफ एडहेरिंग पोर्सिलिन टू द मेटल अलॉय. थर्ड एडवांटेज इज दैट इट इम्प्रूव्स वेटिंग एट द गोल्ड पोर्सलिन इंटरफेस, देयर बाय रिड्यूसिंग पोरोसिटी. आपने पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल बनाया है जिसमें बाहर पोर्सलिन है और अंदर गोल्ड अलॉय है. अब पोर्सलिन और गोल्ड इंटरफेस जो बना, बॉर्डर जो बना, इस बॉर्डर की वेटिंग हाई होनी चाहिए. वेटिंग हाई होगी, वेटिंग हाई होने का मतलब है कि वो परफेक्टली एक दूसरे के साथ एडहेयर होने चाहिए. एडहेरेंस अच्छी होगी तो पोरोसिटी के चांसेस कम है. अब वेटिंग, जस्ट डोंट गो ऑन द नेम. वेटिंग हेयर रेफर्स टू द फेनोमेना जो आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ा था, कॉन्टैक्ट एंगल एंड वेटिंग. कॉन्टैक्ट एंगल ऑफ अ लिक्विड और अ सेमी सॉलिड से अ लिक्विड इज 90 degrees टू द सर्फेस टू अ सबस्ट्रेट, विच मीन्स इसकी वेटिंग बहुत कम है. एज द एंगल डिक्रीजेस इट्स वेटिंग इम्प्रूव्स. सो लोअर कॉन्टैक्ट एंगल सेज हायर वेटिंग. हायर वेटिंग मीन्स गुड एडहेरेंस, परफेक्टली एडहेयर्ड मटीरियल. सो गोल्ड पोर्सलिन इंटरफेस की पोरोसिटी को कम करने के लिए
इसकी वेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसको परफेक्टली गोल्ड को पोर्सलिन के साथ एडहेयर करना चाहिए, और ये एडहेरेंस बेहतर इस केस में होती है अगर इलेक्ट्रो डेपोजिशन टेक्निक यूज की जाए। और इलेक्ट्रो डेपोजिशन टेक्निक ये है कि प्योर गोल्ड की लेयर को इलेक्ट्रो डिपॉजिट कर देते हैं मेटल के ऊपर, और उसके ऊपर टिन की डेपोजिशन कर देते हैं। सो दिस वॉज द एंड ऑफ सिरेमिक्स। आप लोगों का GIC सीमेंट्स के बाद नेक्स्ट टेस्ट सिरेमिक्स का आएगा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस? ओके, सेकेंड ईयर आप लोगों ने ग्रुप में इतना रिस्पॉन्ड नहीं किया, प्लीज सिंस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक एंड योर कोर्स हैज बीन कंप्लीटेड, अब आप लोगों के जो नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं वो सारे रिवीजन वाले आ रहे हैं, तो जस्ट मेक दिस टाइम सम इंटरेक्टिव सेशन। आप लोग आई विल अप्रिशिएट अगर सब लोग इंटरेक्ट करें, सब अपना अपना फीडबैक दें, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। हाउ डू यू वॉन्ट अस टू रिवाइज दीज चैप्टर्स जो आप लोगों के नेक्स्ट रिवीजन में आ रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का सिरेमिक्स का जो रहता था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आप लोगों का। यस अरीशा, रिवीजन स्टार्ट से होगी। आई गेस डॉक्टर नादिया ने तो आप लोगों की रिवीजन स्टार्ट भी कर दी है फ्रॉम द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और ओरिएंटेशन। आप लोगों के अभी जो इससे नेक्स्ट लेक्चर्स हैं वो सारे रिवीजन लेक्चर्स हैं। प्रॉबेबली मेरा ईद के बाद एक लेक्चर आएगा और उस लेक्चर में शायद सिरेमिक्स को डिस्कस करें, या वो भी मैं आज ही थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ, लेकिन बाकी स्टार्ट से होगा। मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिएंटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इसमें आती हैं, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, रियोलॉजिकल, ऑल दीज प्रॉपर्टीज। और उसके बाद जैसे जैसे आप लोगों का बाकी कोर्स कवर हुआ वैसे वैसे ये रिवीजन होगी। बट यू नीड टू टेल कि आप लोगों की रिवीजन कैसे आप लोगों को करनी है, बिकॉज आप लोगों का एक दफ़ा कोर्स कवर हो गया, एक दफ़ा आप लोगों को समझ आ गई है कि हाउ इज दिस डेंटल मटीरियल सब्जेक्ट, इसमें कॉम्पोजिशंस हैं मटेरियल की, प्रॉपर्टीज हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस, एप्लीकेशंस, इस तरह की सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को कैसे इसकी रिवीजन करानी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQs, ओके। इम्पॉर्टेंट SEQs, ठीक है। ओके, ठीक है। वैसे ये MCQs का जो लोग पूछ रहे हैं, जिन लोगों ने UHS का एग्जाम दिया है, अकॉर्डिंग टू देम आप लोगों की कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की फिलिप्स की डिटो लाइंस कॉपी हुई भी होती हैं, तो कोशिश करो कि फिलिप्स से पढ़ो, प्लस ये जो MCQ बुक्स हैं उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ो, प्लस दिस हैज बीन नोटेड, आप लोगों के पास्ट पेपर्स में MCQs और SEQs दोनों आपको कराए जाएं। सो यू वांट अ डिस्कशन फर्स्ट ऑन दैट टॉपिक, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड
MCQs और उस टॉपिक से रिलेटेड SEQs, या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक MCQ पेपर ओवरऑल डिस्कस हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट MCQ पेपर ओवरऑल डिस्कस हो जाए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में कोई SEQ पेपर UHS का किसी ईयर का डिस्कस हो जाए. यू वॉन्ट लाइक दिस, या फिर साथ साथ पहले आप डिस्कशन भी करना चाहते हो, थोड़ा लेक्चर भी सुनना चाहते हो. उसामा व्हाट? नो, अच्छा साथ साथ. ठीक है, साथ साथ. I will convey that to the respective faculty कि आप लोग इसके साथ साथ MCQs और SEQs करना चाह रहे हो लेक्चर के साथ, MCQs और SEQs भी डिस्कस. ओके, फिर दैट मीन्स कि हमें लेक्चर्स को थोड़ा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा उसका, क्योंकि छोटे टॉपिक्स जो हैं जैसे वैक्सीन हैं उसके तो शायद MCQs SEQs कवर हो जाए उसके लेक्चर के साथ, लेकिन बाकी जो बड़े हैं थोड़े उनके MCQs और SEQs ऑब्वियसली साथ साथ डिस्कस नहीं होंगे. डेफिनेशन तो वहाँ से करनी है, वो तो हर चैप्टर के स्टार्ट में सारी डेफिनेशन एक साथ लिखी हुई, वो तो आप लोगों ने वो रटा मारना ही मारना है. लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए कुछ चीज़ें बाकी बुक्स में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी हुई है, तो कॉन्सेप्ट के लिए जो कहानी पढ़नी पड़ती है वो फिलिप्स में. अरीशा ट्यूटोरियल्स में क्या होता था आप लोगों के? We can surely do that. Past papers तो आप लोगों के पास भी शायद हो, उनको सॉल्व करना और इम्पॉर्टेंट बता देंगे, लेकिन आप लोग मेक श्योर कि फिर सिर्फ उस इम्पॉर्टेंट पे स्टिक करके ना रह जाओ. करो सारा, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरह से कर लो. ओके, इकरा इस क्वेश्चन आंसर सेशन में जो ट्यूटोरियल में होता था इसमें आप लोग प्रिपेयर करके आते थे ऑलरेडी, या इट वॉज काइंड ऑफ क्विज, सरप्राइज क्विज? उसामा फिलिप्स के साथ शाहीना नुसरत भी, क्योंकि शाहीना नुसरत में कॉम्पोजिशंस और कुछ चीज़ें इतनी डायरेक्ट दी हुई हैं कि वो आप एंड पे जब आपके पास सारी बुक के सारे मटेरियल्स की कॉम्पोजिशंस होती हैं तो आपको फिलिप्स की कॉम्पोजिशंस मिक्स हो जाती हैं, वो स्कैटर्ड होती हैं. फिलिप्स इज बेसिकली कि आप उसे कॉन्सेप्ट बनाओ, कॉन्सेप्ट आपका इतना अच्छा बन जाए कि कोई MCQ आए तो आप अटेम्प्ट कर सको. लेकिन जो SEQ क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको जो एक टू द पॉइंट की लिखनी होती है, टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, वो टू द पॉइंट हाईलाइटेड चीज़ें जो है ना वो डायरेक्ट उसमें शाहीना नुसरत ने नहीं है. इट्स लाइक यू कैन से फॉर MCQs एंड डेफिनेशंस प्रेफर फिलिप्स, एंड फॉर SEQs डू प्रेफर दैट शाहीना नुसरत, क्योंकि इसमें बहुत डायरेक्ट चीज़ें लिखी हुई हैं.
लाइक इट्स एप्लीकेशन, तो फिर उसकी सारी एप्लीकेशन लिखी हुई है, पॉइंट्स बनाए हुए, कास्टिंग डिफेक्ट्स हैं तो वो पॉइंट्स बनाए हुए, तो वहां से आपको एक याद रह जाता है. फिलिप्स में स्कैटर्ड है, वहां से आपको खुद हाईलाइट करके पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, और वो एंड पे जब आपके पास पूरी बुक होगी, इतने मटेरियल होंगे, तो वो एंड पे आपको सारी मिक्स हो जाती है. इसलिए विद इन 5 मिनट्स में प्रिपेयर हो जाता था. एक एक क्वेश्चन करके. अच्छा इसमें एक एक क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन थोड़े ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे. वो फिर वही वाला जैसे पहले डिस्कस हुआ है कि जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन ट्यूटोरियल तो प्रोबेबली थोड़ा लंबा होता होगा, उसमें टाइम होगा. ये तो 1 घंटे में लेक्चर भी, साथ में पिछला प्रिपेयर भी करना, और उसके बाद जब तक आप पूछने का टाइम आएगा तो वो टाइम पूरा हो जाएगा. बट लेट्स सी आगे अगर टाइम इंक्रीज होता है या आप लोगों के ट्यूटोरियल्स का वो टाइम देते हैं तो वी विल फॉलो दैट. participants and only few are giving suggestions. I hope rest of them are not sleeping. Okay, second year all ceramic restorations, जैसे आप लोगों ने PFM में भी पढ़ा बहुत सारा, इस तरह all ceramic restorations की भी हमने बात की थी, और इन restorations की classification की बात की थी कि there are 5 types and the 5 types are based on the process, on the method of manufacturing. One was condensed sintered, second was cast glass ceramics, third was injection molded, fourth was slip cast glass infiltrated, and fifth was Miller ceramic restorations or course, जिसमें CAD CAM और copy मिल जाते हैं. If I am not wrong, आप लोगों की ये सारी types आप लोगों ने पढ़ ली, because I guess आप लोगों की injection molded शायद रहती है. डॉक्टर मेविस ने थोड़ा डिस्कस की थी इंजेक्शन मोल्डेड. डू यू वॉन्ट टू डिस्कस दैट अगेन, और यू आर डन विथ सिरेमिक्स? ओके क्विक रिव्यू. फर्स्ट वॉज कंडेंस्ड सेंटर्ड में ट्रेडिशनल पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स आते थे, जिसमें फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन यूज होती है, जिसमें एलुमिना स्कोर है, उसमें अंदर एलुमिना की एडिशन है. एलुमिना क्रिस्टल्स का कंटेंट 40-50% होता है. पोर्सलिन जैकेट क्राउन्स में दीज आर ऑल पोर्सलिन जैकेट क्राउन, सिर्फ पोर्सलिन है, उसके अंदर मेटल नहीं है. तो ऑब्वियसली अंदर मेटल नहीं है तो उसकी एस्थेटिक्स तो अच्छी होंगी, लेकिन स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं होगी. ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड में बेसिकली फेल्डस्पैथिक पोर्सलिन ही होगा, लेकिन इसमें ल्यूसाइट क्रिस्टल कंटेंट ज़्यादा होगा,
इसको ल्यूसाइट रीइंफोर्स्ड पोर्सलिन भी कहते हैं. और जैसे पोर्सलिन जैकेट क्राउन की मैन्युफैक्चरिंग थी, उसी तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी है. एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में इट्स द सेम. दे हैव मोर एस्थेटिक्स बिकॉज द कोर इज लेस अपैक व्हेन कंपेयर टू द एल्युमिनस पोर्सलिन. इट हैज हायर स्ट्रेंथ, नो नीड ऑफ स्पेशल लेबोरेटरी इक्विपमेंट. Fit is not as good as metal ceramic crowns. वही बात जिसमें ल्यूसाइट की एडिशन तो हो गई, बट स्टिल मेटल की जो फिट आती है, क्योंकि मेटल हार्ड मटीरियल है, मेटल की जितनी अच्छी फिट आएगी वो जितना अच्छा मार्जिन के ऊपर जाके रेस्ट कर सकते हैं. पोर्सलिन उतना अच्छा मेटल, आपके जो मार्जिन आप लोगों को पढ़ाए थे जस्ट नाम उसके बेवल शैम्फर टूथ प्रेपरेशन में, जिस साइड पे हम मार्जिन बनाते हैं उस मार्जिन के ऊपर आपका क्राउन रेस्ट करता है. वो जो साइडों पे मार्जिन है उसके साथ उसके ऊपर मेटल ज़्यादा अच्छा स्टे कर जाता है एज कंपेयर टू पोर्सलिन. सो स्ट्रेंथ ना सिर्फ मेटल के ना होने की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुई, बल्कि मेटल के ना होने की वजह से वो पोर्सलिन स्टे भी नहीं कर सकेगा, तो स्ट्रेंथ उसकी वीकर होगी. कास्टेबल क्लास सिरेमिक्स दो तरह के थे, एक डाइकोर जो पहले अवेलेबल था और आजकल डाइकोर MgC अवेलेबल है. ये मटेरियल बेसिकली ब्लैंक्स की फॉर्म में होता है या इनगोट्स की फॉर्म में होता है, जिसको हम कैडकैम की मशीन में रख देते हैं, जिसमें डिजाइंड रेस्टोरेशन बनाई जाती है फ्रॉम दिस इनगोट और मैकेनिकल ब्लैंक. इस सिरेमिक को कास्टेबल सिरेमिक भी कहते हैं क्योंकि ब्लैंक्स कास्ट किए जाते हैं. इसके भी बेसिक एडवांटेजेस में वही सिरेमिक है, इसकी एस्थेटिक्स अच्छी होंगी, इसकी कंपैरेटिवली पोर्सलिन से मार्जिनल फिट भी अच्छी होगी, प्रोसेसिंग श्रिंकेज कम है क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर मटेरियल है, अपोजिंग दांत को एब्रेड नहीं करेगा विच पोर्सलिन कैन डू, फैब्रिकेशन इज क्वाइट ईजियर, इट हैज गॉट इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर टफनेस. वेयर आज इन द डिसएडवांटेजेस इट हैज गॉट inadequate strength for posteriors. Interiors में तो इसकी strength अच्छी होगी, लेकिन posteriors में इसकी strength इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि posteriors में masticatory stresses भी हैं, उनको withstand करने के लिए हमें अंदर एक metal coping भी लगानी पड़ेगी. लेकिन ये castable glass ceramic है, pure ceramic की बात कर रहे हैं. जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा aesthetics चाहिए वहाँ पे normally zirconia या ceramic crown prefer करते हैं. It's not porcelain crown. It's not PFM, but it is ceramic, जिसमें zirconia, and this is quite expensive as well. Next was pressable ceramics, जिसको injection मोल्डेड और हीट प्रेस्ड ग्लास सिरेमिक्स भी कहते हैं. इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग से फैब्रिकेशन की जाती है सिरेमिक क्राउन की. इट हैज अ प्री सिरेम्ड ग्लास सिरेमिक हैविंग अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ रीइंफोर्सिंग क्रिस्टल. इसमें मॉडिफिकेशंस काफी होती हैं, हाई कंसेंट्रेशन रीइंफोर्सिंग क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा होते हैं. अमंग द टाइप्स एंड मोड ऑफ सप्लाई, प्रेसिबल सप्लाइड एज इनगोट्स ऑफ वेरियस कॉम्पोजिशंस, प्रेसिबल ग्लास सिरेमिक्स, ल्यूसाइट,
lithium disilicate reinforced pressable veneering ceramics are available for use as pressed layer of our machined zirconia cores. So, zirconia grounds ke alawa zirconia ka core use karke uske upar hum pressable veneering ceramic bhi use kar sakte hain. Jaise PFM use hota hai, andar metal, bahir ceramic, bahir ceramic ya porcelain. Isi tarah andar zirconia ka core aur uske upar ceramic veneering jo ki pressable veneering method se banayi jaati hai wo bhi use ho sakti hai. Compatible veneering ceramics in powder liquid form may be provided along with ingots or required separately. Among the uses, pressable ceramics can be used as inlays, onlays for veneering and for low stress grounds. Ab jo pressable ceramics ke crown bante hain, they have got low strength. They have got good aesthetics but low strength. उसके स्ट्रक्चर में भी टाइप्स हैं दो, टाइप वन एंड टाइप टू. आईपीएस इज इंजेक्शन मोल्डेड प्रेसिबल एम्ब्रिस. इट टाइप वन कंटेन्स 35-40% वॉल्यूम ऑफ ल्यूसाइट क्रिस्टल्स, वेयर एज इन टाइप टू देयर आर 60, इट कंटेन्स 65-70% by volume of interlock elongated lithia disilicate crystals. The crystal size varies from 0.5 to 0.4 micrometer in length. So, pressable ceramics is a type of all ceramic restorations. It is one of those five types of all ceramic restorations. Pressable ceramics are made by injection molding technique. They are also called heat pressed glass ceramics. Iski types mein type 1 aur type 2 hai. Type 1 mein 35-40% leucite crystals honge. Type 2 mein 65-70% interlocked lithia disilicate crystals honge. Ab pressable ki jo do types hain, ek mein leucite crystals aur dusre mein लिथियम डाइसिलिकेट के क्रिस्टल होंगे और ये क्रिस्टल साइज 0.5-0.4 माइक्रोमीटर होगा. सो बेसिकली द वैक्स पैटर्न्स ऑफ द रेस्टोरेशन आर इन्वेस्टेड इन द रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स आर हीटेड टू 850 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ फर्नेस to burn off the wax and create the mold space. ये वही casting का जैसे procedure होता है कि wax pattern हम prepare toothpaste बनाते हैं, उसके बाद उसको casting ring में रख के उसके ऊपर investment material डाल देते हैं, फिर furnace में रख के उसको heat करते हैं. इस assembly को heat करने से क्या होता है, wax burnout का process जिसमें wax melt होके बाहर निकल जाती है और अंदर इन्वेस्टमेंट रिफ्रैक्टरी मटेरियल में आपका मोल्ड बन जाता है जिसमें हम कास्ट कर सकते हैं मेटल को. इट इज देन ट्रांसफर्ड टू द प्रेसिंग फर्नेस. अ सिरेमिक इनगोट एंड एलुमिना प्लंजर इज इंसर्टेड इनटू द स्क्रू. जिस तरह से बाकी हीटिंग फर्नेसेस हैं, इसी तरह से एक प्रेसिंग फर्नेस होता है जो प्रेसेबल सिरेमिक्स के लिए यूज करते हैं. इस असेंबली को फिर हम प्रेसिंग फर्नेस में रख देते हैं और उस मोल्ड में सिरेमिक इनगोट या एलुमिना प्लंजर के साथ इंसर्ट कर देते हैं. दिस इज इंसर्टेड थ्रू द स्क्रू. एलुमिना प्लंजर इज यूज्ड through the screw to place this ingot in the mold cavity. और उसके बाद इसको हम pressing furnace में रख देते हैं. IPS Empress 1075-1180 degree centigrade.
This is the temperature at which this assembly is pressed. Whereas for IPS empress 2 to 920 degrees centigrade, this is the pressing temperature which can also be used. So ek lower temperature bataya, ek higher temperature bataya. The core or respiration is retrieved from the flask. Compatible veneering porcelains are added to the core to build up from the respiration. It can also be directly fabricated as a crown, in which case the crown is stained and glazed directly. So pressable ceramics basically उसी तरह से जैसे casting का procedure होता है, उसी तरह से casting का procedure करते हैं, wax burn out करते हैं, फिर उसके अंदर एक ceramic का pressable ceramic, उसका एक ceramic ingot रख देते हैं, उसको pressing furnace में रख देते हैं, दो तरह के temperature से उसको इन temperatures पे press किया जाता है और वो spread होके उस mold cavity में फैल जाता है, उसकी shape adapt कर लेता है और फिर इस कोर को रिट्रीव कर लेते हैं फ्लास्क से. नेक्स्ट वाज इट कैन आल्सो बी डायरेक्टली फैब्रिकेटेड एज क्राउन. अगर हम इसकी डायरेक्ट फैब्रिकेशन करेंगे तो हम इसकी ग्लेजिंग डायरेक्ट करेंगे. ऑब्वियसली वो टेक्नीशियन ही करेगा, वो लैब में नहीं होगी. Pressable or heat pressed glass ceramics के advantages ये हैं, it has got better fit, which means the margins of this crown are capable of making a good fit with the margin of prepared tooth. Better aesthetics due to absence of metal or an opaque core. इसकी एस्थेटिक्स को बेहतर इसलिए समझा जाता है कि ऐसा नहीं है कि बाहर से एस्थेटिक्स हैं और अंदर मेटल है. एस्थेटिक्स तो बेहतर हो गई लेकिन अंदर मेटल नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से डिसकलर्ड ये लग रहा है. अमंग द डिसएडवांटेजेस, दिस नीड फॉर कॉस्टली इक्विपमेंट. इसके लिए एक स्पेशल प्रेसिंग फर्नेस चाहिए होता है जिसके अंदर ये सारा प्रोसेस हो. सो देर इज नीड फॉर कॉस्टली इक्विपमेंट एंड वेयर देर इज एक्सपेंसिवनेस ऑफ एनी मटीरियल और इक्विपमेंट, इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ डिसएडवांटेज. पोटेंशियल ऑफ फ्रैक्चर इन पोस्टीरियर टीथ. अच्छा, प्रेसिबल सिरेमिक इज थॉट टू बी अ वीकर रेस्टोरेशन जो आपके पोस्टीरियर एरियाज में ड्यूरिंग द स्ट्रेस एप्लीकेशन फ्रैक्चर कर सकती है. ग्लास सिरेमिक ये तो आप लोगों ने पढ़ लिया था. इफ वी टॉक अबाउट द रिव्यू, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स जिनको स्लिप कास्ट सिरेमिक्स भी कहते हैं, ये इस टाइप की सिरेमिक्स हैं दैट वर रीइंफोर्स्ड बाय अ यूनिक ग्लास इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस. आगे से इसकी तीन टाइप्स थी, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड एलुमिना कोर जिसको इन सेरम एलुमिना कहते हैं, इन सेरम स्पिनल में ग्लास इनफिल्ट्रेटेड स्पिनल कोर होगा और इन सेरम जिरकोनिया में जिरकोनिया कोर होगा. बेसिकली अंदर का कोर उसके कंपोनेंट क्वांटिटी वो इंक्रीज करती जाएगी. अकॉर्डिंगली ग्लास इनफिल्ट्रेटेड एलुमिना कोर, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड स्पिनल कोर एंड ग्लास इनफिल्ट्रेटेड जर्कोनिया कोर, उनको हम नाम दे देंगे. दिस ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स इज सप्लाइड इन द पाउडर ऑक्साइड.
with mixing liquids, glass, powder, and veneering ceramics. Glass infiltrated alumina core, जिसको in serum alumina भी कहते हैं, उसकी indications बताई हुई है, उसकी powder और liquid की composition बताई हुई है. Secondly, this is all the same. It would be like repeating, duplicating the lecture. लेकिन ये वही चीजें हैं जो मैं बार बार आपको तीन चार दफा भी बता दूं तो शायद आपको समझ तब तक ना आए जब तक आप लोग बुक्स खोल के एक दफा खुद इसको पढ़ते नहीं हो. तो आप लोगों का सिरेमिक्स कंप्लीट हो गया है. इसको डीएम का टेस्ट जो अभी आ रहा है सैटरडे को, गिव द टेस्ट एंड ट्राई टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिरेमिक्स, क्योंकि आप लोगों का नेक्स्ट टेस्ट सिरेमिक्स पे आएगा एंड दिस इज क्वाइट अ लॉन्ग चैप्टर. Any specific question? Second year आया, सो गए आप लोग? ओके सो आप लोगों का सिरेमिक्स का कंटेंट जितना रह गया था वो कवर हो गया है. जो बीच में से मुझे थोड़ा सा डाउट था कि शायद ये मिस ना हो गया वो भी इट्स ऑलमोस्ट डन. तो वी आर लेफ्ट विद अराउंड 20 मिनट्स. आप लोगों का जो नेक्स्ट रिवीजन वाला होना है स्टार्ट चैप्टर या टॉपिक वो नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे ताकि थोड़ा टाइम हो जिसमें डिस्कस करके बाद में आपसे एसईक्यूज़ भी डिस्कस किए जा सकें. बाकी आई होप आप लोगों के कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे जिन्होंने यूएचएस का एग्ज़ाम दिया होगा या देना होगा. आर यू गाइस इन कॉन्टेक्ट विद दोज पीपल, बिकॉज UHS में कोई चीज़ें अगर शेयर होती हैं, कुछ कॉलेजेस में अगर शेयर होती हैं तो यू शुड हैव फ्रेंड्स जो आपको इन्फॉर्म कर दें या बता दें कि इस तरह से ये चीज़ें शेयर हो रही हैं एंड यू गाइस शुड हैव दैट.
Majid Ali, you have raised hand. सेकेंड ईयर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? ओके खान सा तारिक इकरा जहांगीर हांसा आपसे क्वेश्चन पूछूं पिक्चर देखो कैसी और इफेक्ट देखो कौन सा डाल ये वाला सही है इकरा आपके पीछे बहुत डिस्टॉर्शन आ रही है Kanza, what is creep? Hello. What is creep? Usama, whenever you write this kind of definition, this is basically creep is okay. Anfal, yes. Constant stress. Yes, time dependent. Whenever you write the definition, do not forget to write with the passage of time or with time. Or creep mostly kis restoration mein hote? Amalgam mein. So creep is plastic deformation, dimensional changes, physical changes in a material. With the passage of time
is necessary that you should write in the definition. It is a time dependent property. What is difference between amalgam and dental amalgam? No difference. Commercially produced. Copper or zinc ka no. Low copper, zinc free. वो तो उसकी क्लासिफिकेशन में वो डेंटल अमलगम की आगे से सारी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कॉपर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर की बेसिस पे हाई कॉपर लो कॉपर अलॉयज और जिंक की बेसिस पे जिंक कंटेनिंग जिंक फ्री अलॉयज चलो आप लोग ये पढ़ना अमेलगम में और डेंटल अमेलगम में क्या फर्क है अभी मुझे ये बताओ जिंक जिंक का क्या फायदा है अमेलगम में जिंक की वजह से क्या होता है यस यस सीरतुल उरूज एंड उमैद यस स्कैवेंजर है स्कैवेंजर का क्या मतलब होता है इट सेक्रीफाइसेस इटसेल्फ इट डिफेंड्स द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द अलॉय और ये ज़्यादा रिएक्टिव है फॉरन से रिएक्ट कर जाता है एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बना देता है और बाकियों को रिएक्ट होने से और वेस्ट होने से बचा लेता है तो बेसिकली जिंक इज एडेड एज अ स्कैवेंजर बिकॉज इट रिएक्ट्स इमीडिएटली बिकॉज इट हैज़ हाई रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन तो जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बाकी कॉपर और बाकी जो आपके कंपोनेंट्स हैं अलॉय में एडेड उनको रिएक्ट करने से ऑक्सीजन के साथ फॉरन से ऑक्साइड बना के ज़ाया होने से बचा लेता है तो इसने बाकियों को बचा लिया इट एक्ट्स एज स्कैवेंजर अब स्केवेंजर के तौर पे इसने एक्ट तो किया लेकिन फिर क्या हुआ आगे क्या होगा जिंक ने ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बना ली अब फॉर इंस्टेंट अगर आपकी अमेलगम रेस्पिरेशन करते वक्त आपकी कैविटी परफेक्टली आइसोलेटेड नहीं थी और उसमें वाटर कंटेमिनेशन थी तो क्या होगा Yes, Ramza, that's right. मैं ये तो आप बताओ तो मैं तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रही हूँ मेलगम तो आप लोग पढ़ चुके हो ओके रमजा सेड लेट्स कट यस डिलेड एक्सपेंशन का फिनोमिना आई होप इट्स क्लियर अगर वाटर कंटेमिनेशन हो जाए अमेलगम रेस्टोरेशन करते हुए अमेलगम फिलिंग करते हुए अगर आपने प्रॉपरली उसे आइसोलेट नहीं किया और वाटर कंटेमिनेशन होगी तो वाटर का जो H2O में ऑक्सीजन है वो भी रिएक्ट कर जाएगा जिंक के साथ बाकी रह जाएगी हाइड्रोजन जो कि एंट्रैप हो जाएगी एंड दिस हाइड्रोजन इज लिबरेटेड आफ्टरवर्ड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम कॉजिंग डिलेड एक्सपेंशन ऑफ द रेस्पिरेशन सो वाटर कंटेमिनेशन ड्यूरिंग अमेलगम रेस्टोरेशन लीड्स टू डिलेड एक्सपेंशन
आप लोग देखना अमेलगम और डेंटल अमेलगम में क्या फर्क है और विच हैज बेटर प्रॉपर्टीज. एक और क्वेश्चन बहुत कॉमन आता होता है, विच फेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फेस. मैं बताऊं, अब मैं तो आप लोगों से पूछ रही हूँ, आप लोगों का टेस्ट ले रही हूँ. मैं जब ये टॉपिक की बारी आएगी तो मैं तब एक्सप्लेन करूंगी. अभी आप लोग बताओ, आप लोगों को कितना याद है. गैमा फेस, ऑल गैमा फेस. गामा टू. गैमा टू, गैमा वन. गैमा फेस इज स्ट्रॉन्गेस्ट एंड गैमा टू इज वीकेस्ट. अच्छा ओके, करा टू टू टू. उमेद सब टू कह रहे हैं. यू स्टिल ऑन वन. चलो आप लोग अमेलगम और डेंटल अमेलगम में डिफरेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट फेस का डिसाइड कर लेना. स्फेरिकल की प्रॉपर्टीज बेहतर होती हैं लैथ कट से. बाकी आप लोग मजीद डिस्कस करेंगे जब अमेलगम की बारी आएगी. अभी तक आई डाउट कि आप पूरी क्लास ने, एक्सेप्ट फ्यू स्टूडेंट्स जो कॉन्टिन्यूसली रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, उनके अलावा बाकी सब ने एंजॉय बिल्कुल नहीं किया होगा डीएम को, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट. लेकिन आगे के लेक्चर्स, अगर डिस्कशन में आप लोग पार्टिसिपेट कर लो तो आप लोगों की थोड़ी बेहतर तैयारी हो जाएगी. तो बी अटेंटिव, बी फोकस्ड नेक्स्ट लेक्चर से. ओके, हु इज दिस आई कैन सी. मिनाहिल, अच्छा बोरिंग लगा. बोरिंग तो है ना, मुश्किल भी है, बोरिंग भी है, रटा भी है, ड्राई भी है. बट दिस इज इन सिलेबस, दिस इज योर कोर्स. इसमें लोगों की चपलियाँ भी बहुत ज़्यादा आती हैं और इसको पास किए बगैर आप लोग आगे भी नहीं जा सकते. पढ़ना तो है आप लोगों ने. सेकेंड ईयर, ओके. टाइम इज अबाउट टू एंड. आप लोगों का लेक्चर आज छोटा था, बाकी का जस्ट ये सर्वे फीडबैक वगैरह था. वी विल ट्राई टू वर्क ऑन द सजेशंस जो आप लोगों ने दी हैं. तो विल ट्राई टू कम अप विद दैट. बाकी ऑल द बेस्ट. आई विल बी हैविंग अ लेक्चर विद यू गाइज आफ्टर ईद. हैव फन ऑन ईद. ईद मुबारक. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.